સત્સંગમાં 24 તારીખના સત્સંગમાં પણ આપ સૌ જોડાશો અને બીજા વૈષ્ણવને પણ જોડશો. વિશેષ આગામી 25 તારીખથી હિંડોળા ઉત્સવ શરૂ થઈ રહ્યો છે. શ્રી પુષ્ટિધામ હવેલીમાં પણ દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે શ્રી રશિયા પ્રભુના સુખાર્થ વિવિધ પ્રકારના કલાત્મક હિંડોળાના મનોરથો કરવામાં આવે છે. તો આપ સૌ પણ તેમાં વિતજા સેવા કરીને શ્રી રશિયા પ્રભુના હિંડોળાના મનોરથી બની સહભાગી થઈ શકો છો. હિંડોળા ઉત્સવના મુખ્ય મનોરથી, સહમનોરથી અને શુભેચ્છક મનોરથી પણ બની શકો છો. હવે વિશેષ સમય ન લેતા પૂજ્ય રસાલિકા રાજાને વિનંતી કરીશ કે કોઈ એક પ્રસંગ કહેશે અને ત્યારબાદ આપણા સૌના લાડીલા શ્રી હરિરાયજી મહોદયશ્રીને આપ સૌ વૈષ્ણવો વતી વિનંતી કરું છું કે આપશ્રી વચનામૃત કરી અમને સૌને લાભાન્વિત કરશો. आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. सच्चिदानंद रूपायो पुष्पोत्पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय कृष्णायं. तो वैष्णव मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊंगी. एक बार श्री महाप्रभु जी के सेवक साईं जी के सेवक श्री कानभाई प्यारी से मिलने गए, दर्शन करने गई थी. और फिर देखा के प्रिया जी वहाँ पर अकेले पन्ना झूल रहे हैं. और फिर कानभाई उनको पन्ना झुलावे लग गए. और फिर मुखिया जी आए और उन्होंने देखो कि कानभाई तो पन्ना झुला रही है. और फिर गुसाई जी सुर जाके कही के रूपानाथ कानभाई पन्ना झुला रही है. और फिर गुसाई जी ने कानभाई से पूछी कानभाई तो पन्ना क्यों झुला रही है. तो कानभाई ने बताया मैं जब 22 थी तब मैंने देखो तो के गुसाई जी ठाकुर जी अकेले पन्ना झूल रहे हैं. तो फिर वैष्णवो हमें ये वार्ता सीख में मिले के हमको कभी ठाकुर जी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए. वो नन्हे से छोटे से बालक हैं. और फिर हमको अगर वल्लभा जी शकी जय. बोलो श्री वल्लभा जी करके चुके ना लो अखबार का. हेलो. बोलो श्री वल्लभाधीश की जय. श्री गोसाई जी परम दयाल की. जानो बेटो श्री गोसाई जी परम दयाल की जय. आप सबन को श्रवण हो रहे हो ना? हाँ जी जी. श्री गोपाल लाल प्यारे की जय.
श्री गोकुल के रसिया की जय। बोलो गौ माता की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यत प्रभुर्नन्द कुमारो मे स्वामिनी वृषभांजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय शिरश्च पादाम्बुज सत्प्रणाम योग्यं ददौ यो यदुवंशचन्द्र स्तुत्या च नत्या विनयेन हीनो गोपाललालं शरणं प्रपद्ये। गोपाललालं शरणं प्रपद्ये। श्रीवाक्पतये नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमले भ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। बोलो श्री गोसाई जी परम दयाल की। आओ विचलित मन को शांत कर। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु के युगल चरणारविंद में स्थित कर तीन बार नेत्रों को बंद कर ध्यान मुद्रा में स्वस्थता के साथ बैठकर श्री वल्लभ के नाम का उच्चारण करेंगे। श्री आनंदाय नमः। 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 प्राण प्रिय श्री गोपाल प्रभु के सुकोमल युगल चरणारविंद में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम। रसिया प्रभु के युगल चरणारविंद में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम कर उद्वार। उपस्थित
भगवत चरणानुरागी अत्यंत भावुक कोमल हृदय प्रपंच रहित लौकिक आसक्ति रहित जिनका एकाग्र चित्त है ऐसे श्री वल्लभ चरण अनुरागी सत्संग प्रेमी सेवा परायण और कित कितनी उपाधियां आप सबको देवें, जितना कहें उतना आप सबन के लिए कम ही हैं। ऐसे हमारे अत्यंत प्रिय आत्मीय वल्लभीय वैष्णव वृंद, आज फिर एक बार आप सब ये पुष्टि मंथन सत्संग सभा में उपस्थित हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि आज इतना बदलाव कैसे है। पूर्व नियोजित कार्य के चलते चिरायुष्मान लालन आज उपस्थित नहीं है। बड़ा ही सुंदर प्रति शनिवार जो विषय चल रहा था श्री यमुनाष्टक, कई बार ऐसा होता है क्रिकेट के मैदान में कि ओपनिंग बैट्समैन जो होते हैं वो कुछ कारण के चलते उपस्थित नहीं रहते, मैदान में नहीं उतरते, तो फिर वन डाउन जो होता है उसको प्रारंभ करना पड़ता है। तो आज ऐसा ही कुछ अनुभव मुझे हो रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि छोटे बालकों का सियान बाबा लालन सब बोलते हैं और फिर वन डाउन टू डाउन हमारे आना होता है। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ आप सब स्वस्थ मन से प्रति शनिवार बिना आग्रह के उपस्थित हो जाते हैं, सत्संग को श्रवण करते हैं। और कई ऐसे जिज्ञासु वैष्णव भी हैं जो श्रवण के साथ साथ सत्संग का मनन भी करते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। मैं विचार कर रहा था कि आज जो अपना मूल विषय चल रहा है श्री यमुनाष्टक, तो आज मूल विषय को छोड़ के कहां से प्रारंभ करूं। भगवत कृपा से ही श्री आचार्य चरण के अनुग्रह से भगवत चिंतन में श्री आचार्य चरण की ही वाणी का अनुसंधान हुआ। श्री आचार्य जी षोडश ग्रंथ अंतर्गत बड़ा छोटा सा एक ग्रंथ है पंचपद्यानी। अब आप विचार करने लगेंगे कि आज पंचपद्यानी विषय पे श्रवण करने मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ा छोटा सा ग्रंथ है,
शायद क्रम जो है 12 या 13वां ग्रंथ है, और इस ग्रंथ अंतर्गत श्री आचार्य जी श्रोताओं के लक्षण का निरूपण आप कर रहे हैं। ध्यान देना, क्योंकि आप सबन को जब दर्शन करता हूं तब ये ग्रंथ का स्मरण सहज हो जाता है, इतने जिज्ञासु आप सब हैं। तो यहां श्री आचार्य जी ने श्रोता कैसे होने चाहिए इस बात का निरूपण किया है। जैसे जल भेद जो ग्रंथ है उसमें श्री आचार्य महाप्रभु ने वक्ताओं का निरूपण किया है, वक्ताओं के लक्षण कि वक्ता कैसे होने चाहिए। तो उस ग्रंथ में 20 प्रकार के वक्ता के लक्षण बताए हैं, और ये पंचपध्यानी ग्रंथ में ऐसे वक्ताओं को जो ग्रहण कर सके ऐसे श्रोताओं के लक्षण आप बता रहे हैं। दो प्रकार के श्रोता, एक पुष्टि श्रोता और दूसरा है मर्यादा श्रोता। ध्यान देना, पुष्टि श्रोता में भी श्री आचार्य जी ने एक प्रकार बताया है, और मर्यादा जो श्रोता है उसमें श्री आचार्य जी ने 3 प्रकार, उत्तम, मध्यम और अधम, यानी ये एक छोटे से ग्रंथ में 4 प्रकार के श्रोता, या फिर यूं कहें कि 4 प्रकार के मन का निरूपण श्री आचार्य जी कर रहे हैं। बड़ा सुंदर ये विषय है और बड़ा सुंदर ये ग्रंथ है कि एक श्रोता है पुष्टि श्रोता और दूसरा श्रोता है मर्यादा श्रोता। मर्यादा के भी 3, उत्तम, मध्यम और अधम, और पुष्टि का तो एक ही है। श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं, श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा रति वर्जिता अनिरुता लोक वेदे ते मुख्या श्रवणोत्सुका। श्रोता कैसे होने चाहिए, श्री आचार्य जी ने सबसे प्रथम श्लोक में ही बड़ी सुंदर व्याख्या बताई कि विकलीन मनसा, विक्षिप्त मनसा। ध्यान दो, प्रथम श्रोता का ये लक्षण, ये पुष्टि श्रोता है कि जिसका मन विक्षिप्त है, साधारण भाषा में कहें तो जो भगवत सत्संग प्राप्त करने के लिए पागल हो गया है, जिसको भगवत सत्संग, भगवत कथा श्रवण के बिना चले ही नहीं, ऐसा विक्षिप्त मन, जिसको संसार के रस फीके लगे, ऐसा विक्षिप्त मन जिसका है वो उत्तम श्रोता है। उदाहरण रूप आप श्री दिनकर दास जी की वार्ता को आप देख लेना, दर्शन कर लेना, जिनका विक्षिप्त मन था। श्री आचार्य महाप्रभु को ये कहना पड़ा कि अरे दिनकर दास, अब जब तुम आओगे तब हम कथा कहेंगे, ये है विक्षिप्त मन। पहले से ही कथा के लिए, भगवत सत्संग के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए, ये उत्तम है प्रियजनों, ये पुष्टि श्रोता है। दूसरा मन बताया विकलीन मनसा, जिसका विकलीन मन है,
विकलीन यानी कि कोमल मन। आचार्य जी तात्पर्य बता रहे हैं कि कोमल मन है लेकिन ये जो श्रोता है ये मध्यम श्रोता है, क्योंकि ये श्रवण करता है कुछ इच्छा के साथ, फल इच्छा के साथ ये श्रवण करता है। तीसरा जो मन है, तीसरा जो श्रोता का प्रकार लक्षण बताया श्री आचार्य चरण ने कि अनन्यासक्त जो जीव है, जिसका मन है, ऐसा श्रोता जिसको श्री आचार्य जी ने अधम अवस्था बताई है, जिसको श्रवण में रुचि नहीं रहती, श्रवण कर रहा है लेकिन जिसका मन श्रवण में नहीं है, ऐसा अनन्यासक्त, अन्यासक्त कि जिसकी आसक्ति अभी श्रवण में नहीं हुई है, ऐसा श्रोता, ऐसा मन। और चौथा बताया कि अनन्य मन जिसका है, ऐसा श्रोता, ऐसा वैष्णव कि जिसको श्रवण करना अच्छा लगता है। बड़ी सुंदर ये विषय है और मुख्य जो बात है वो मन की बात है। पंचपद्यानी ग्रंथ अंतर्गत या फिर षोडश ग्रंथ के या फिर श्री गोसाई जी के या फिर अन्य कोई भी आचार्य के ग्रंथों के आप दर्शन करें, कहीं ना कहीं नवनीत तत्व सार जो हमें प्राप्त होता है वो यही होता है कि हमारा मन कहाँ है, हमारा मन कैसा है, विक्षिप्त है, विकलित है, अनन्यासक्त है कि अनन्यासक्त है। जैसे कोई सामग्री सिद्ध करता है, कोई रसोई बनाता है, अब रसोई बनाने के बाद उस रसोई में मानो नमक ज्यादा डल जाए और जब हम खाने बैठते हैं, भोजन करने बैठते हैं और जब वो पहला कोर मुख में जाता है तब हमारे मुख से क्या शब्द निकलते हैं, ये कैसी रसोई बनाई है, तेरा मन कहाँ है। कहने का तात्पर्य एक ही है प्रियजनों कि जो आध्यात्म मार्ग है वहां हमारे आचार्य मन को स्वस्थ करने का उपचार बता रहे हैं। ये सत्संग सभा का भी जो मुख्य प्रयोजन है, क्यों हम प्रति शनिवार एकत्रित होते हैं, क्यों हमारे आचार्यों ने नित्य भगवत सत्संग की आज्ञा की है, तात्पर्य क्या है, रहस्य क्या है, एक ही तात्पर्य है कि फल स्वरूप हमारा मन स्वस्थ हो। ये सत्संग मन की खुराक है। जैसे भोजन करते हैं तो तन को खुराक मिलता है, तन को पोषण मिलता है, ऐसे ही ये भगवत सत्संग जो है ये मन की खुराक है। एक बार एक तत्ववेता ने, ज्ञानी पुरुष ने अपने मन से कहा, अरे मन भगवत सत्संग को ध्यान से सुन। एक तत्ववेता अपने मन से बात कर रहा है और क्या कह रहा है, अरे मन तू भगवत सत्संग को ध्यान से सुन। अब विचार करो, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, जैसे बोलना,
ये रसना का कार्य है, सुंघना ये नासिका का कार्य है, स्पर्श करना ये त्वचा का कार्य है, देखना ये नेत्रों का कार्य है, और स्मरण करना ये मन का कार्य है। हम सभी के पास एकादश इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 11, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एकादशवां मन भी एक इंद्रिय है। अब यहां ये तत्व वेता मन से कह रहा है, मन से संवाद कर रहा है कि अरे मन, तू एकाग्र हो के भगवत सत्संग का श्रवण कर। यहां कान से नहीं कह रहा है, नहीं तो उसे तो कान से कहना चाहिए ना कि भाई कान, तू कथा का श्रवण कर। लेकिन ये कह रहा है मन से। देखो, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, इन सभी इंद्रियों का स्वतंत्र कार्य है। कोई भी इंद्रियां एक दूसरों में दखल अंदाजी नहीं करती। आंख का कार्य देखना है तो देखती है, वो सुनती नहीं है। कान का कार्य है श्रवण करना, वो श्रवण ही करता है, वो सुनता नहीं, देखता नहीं है। ये सीखने वाली बात है कि एक दूसरे में जिसका जो कार्य है, इंद्रियां वही कार्य करती है। लेकिन मन का ऐसा नहीं है। मन देखता भी है, मन सुनता भी है, मन स्पर्श भी करता है, मन स्मरण भी करता है। हमारी ये एकादश इंद्रियों में एकमात्र मन ही ऐसी इंद्रिय है जो स्वतंत्र है। समझने जैसी बात है, जो सुनता भी है, जो देखता भी है, जो बोलता भी है। एक बात ध्यान रखो कि मन इंद्रियों के बिना कर्म कर सकता है, लेकिन इंद्रियां मन के बिना कर्म नहीं कर सकती। और जब करती है तो वह कर्म कर्म नहीं कहलाता, वह कर्म फल युक्त नहीं होता, या फिर भगवत गीता की दृष्टि से जो कहें तो कर्म ही नहीं है। जिस कर्म में आपने इंद्रियों के साथ मन को नहीं परोया, भगवत गीता कहती है कि वो कर्म कर्म नहीं है, वो कर्म विकर्म हो जाता है, अकर्म हो जाता है। तो मन इंद्रियों के बिना कर्म कर सकता है। जैसे हम सो जाते हैं, हमारा जो शरीर है सो जाता है। अब इंद्रियां जब सोने के बाद, इंद्रियां तो बेहोश हैं, लेकिन मन किसी से बात कर रहा है, स्वप्न देखते हैं ना, मन की क्रिया चालू है, मन सोता नहीं है। हमारी इंद्रियां बेहोश हैं, सोने के बाद जब शरीर सो जाता है तो इंद्रियां सो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, उसे होश नहीं रहता, लेकिन मन जागृत है। मन किसी से बात कर रहा है, मन कहीं घूमने गया है, कहीं ब्रज में पहुंच जाता है, कहीं कोई घूमने की जगह पहुंच जाता है, कहीं मित्र के साथ बात करने लग जाता है, जो उसे प्रिय है वो मन करने लग जाता है। इंद्रियों के बिना मन सक्रिय है, कर्म कर सकता है, तात्पर्य। लेकिन मन के बिना इंद्रियों के द्वारा किया गया कर्म विकर्म है। यानी कोई भी कर्म करो आप,
भले वो लौकिक हो या अलौकिक, आध्यात्मिक हो आदि दैविक हो या आदि भौतिक हो, कोई भी कर्म मन के बिना करना वो कर्म कर्म ही नहीं है, और खास आध्यात्म मार्ग में। और इसीलिए हमारे श्री आचार्य महाप्रभु श्री गोसाई जी श्री हरराय महाप्रभु शिक्षा पत्र आप खोल के देख रहे हो, जहां तहां तहां वहां आपको मन की बात मिलेगी, मन की स्वस्थता की बात मिलेगी, मन की स्वस्थता के उपचार मिलेंगे। बार बार यही आज्ञा मिलेगी कि चेतस्तत् प्रवणम सेवा, चित्त का प्रभु में लगना सेवा है, सत्संग में लगना सत्संग है। अभी आप यहां उपस्थित हैं, लेकिन जो आपका मन यहां उपस्थित नहीं है तो मानो ये सत्संग सत्संग भी नहीं है। साधारण जीव कहता है कि मैंने आंख से देखा, मैंने कान से सुना। अब जब आंख से देखा कान से सुना, इस समय जब मन उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? देखा अनदेखा हो जाएगा, सुना अनसुना हो जाएगा, होता है कि नहीं? जब सुनते समय हमारा मन नहीं है तो क्या होगा कि सुना अनसुना हो जाएगा। ज्यादातर जब वैष्णवों की एक फरियाद रहती है कि हमें याद नहीं रहता, कारण क्योंकि आप कान से सुनते हो ध्यान से नहीं सुनते। देखा अनदेखा हो जाएगा, सुना अनसुना हो जाएगा। यानी आध्यात्म मार्ग में प्रियजनों मन की आवश्यकता है। देखो अभी अभी थोड़े दिन पहले ही रथ यात्रा का उत्सव गया है। एक बार ऐसा हुआ, रथ यात्रा का उत्सव था और राम कृष्ण परमहंस जगन्नाथ जी गए भगवत दर्शन करने के लिए। तो मार्ग में ऐसे ही विचरण कर रहे थे तो वहां एक कारीगर की दुकान थी, जहां कारीगर कुछ कार्य कर रहा था, लकड़ी का कारीगर था और बड़ी एकाग्र चित्त से उसको अपना काम कर रहा था। परमहंस उसकी दुकान में आए और पूछा कि भैया अभी तुमने यहां से रथ यात्रा को जाते देखा है क्या? अब एक बार बोला, पूछा दो बार, पूछा तीन बार, थोड़ी तेज आवाज से पूछा कि भाई साहब, भैया आपने यहां से कुछ समय पहले के थोड़े समय पहले रथ यात्रा को जाते देखा? अब विचार करो, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो, हजारों लाखों की उपस्थिति हो, इतना बड़ा माहौल वहां से निकल गया, गुजर गया। वो कारीगर कहता है, महाराज नमस्कार, स्वस्थ हुआ थोड़ा? और कहा कि मेरे ध्यान में तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखा। बगल में एक दूसरी दुकान थी, वहां पे भी एक कारीगर था, उसने तुरंत ये सुना और कहा कि संत के सामने झूठ बोलता है, तू जानता है ये कौन है? ये परमहंस हैं और इनसे झूठ बोलता है। मैं सच कह रहा हूं, मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है। परमहंस ने नेत्रों को बंद किया, ध्यान लगाया और देखा कि ये सच कह रहा है। जब यहां से रथ यात्रा निकली तब इसका मन उस कार्य में था। तात्पर्य एक ही है प्रियजनों, हमारा मन कहाँ है, हमारा मन कैसा है। साधारण जीव तन की स्वस्थता की चिंता करता है और असाधारण भगवत भक्त जो है वो सदा सर्वदा मन की चिंता करता है।
कि मेरा मन स्वस्थ है कि नहीं, मेरा मन प्रभु के लायक है कि नहीं। वार्ता प्रसंगों में कई उदाहरण आप देखो, लोंडी की वार्ता, जब संभरवारे के वहां कोई आया, संभरवारे दामोदास जी श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और सेवा करते करते उनका मन गया था घोड़े खरीदने, प्रसिद्ध प्रसंग है। और जब द्वार खोला, पूछा कि दामोदास जी हैं, कि हाँ वो तो घोड़ा खरीद रहे हैं, तो कुछ समय बाद वो तो चले गए और फिर उनको पता चला कि भाई उनसे मिलने कोई आया था। लोंडी ने ऐसा उत्तर दिया, लोंडी को बुलाया, पूछा कि भाई तूने ऐसा उत्तर क्यों दिया। वो भी भगवत भक्त थी, मन को जानती थी और तुरंत उत्तर दे दिया कि जब आप सेवा कर रहे थे तब आपका मन घोड़ा खरीदने में था, इसलिए मैंने कह दिया कि दामोदरदास जी तो अभी घोड़ा खरीद रहे हैं। विचार करो प्रियजनों, ऐसे भगवत भक्त भगवदीय के ऐसे ऐसे उदाहरण हमें क्या दर्शन कराते हैं, बस हमारा मन कहाँ है। अभी कुछ एक दो सत्संग पहले की बात है, यहां आप सबन के दर्शन होते रहते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है और ज्यादातर वैष्णव बड़ी स्वस्थता से एक आसन पे बैठ के भगवत सत्संग का श्रवण करते हैं। लेकिन अभी एक दो सत्संग पहले ऐसे दर्शन अद्भुत हुए हमको, ऐसे अद्भुत दर्शन हुए कि हमें यहां बैठ के हमारे मन को स्वस्थ रखना भी कठिन हो गया। एक वैष्णव किचन में थे और किचन में गैस चालू था, तेल चढ़ा हुआ था और भजिए तल रहे थे और कथा का श्रवण कर रहे थे, सत्संग श्रवण कर रहे थे। अब आप विचार करो कि यहां से वो देख के हमारी क्या स्थिति बनी होगी। सत्संग तो सुन रहे हैं लेकिन भजिए तल रहे हैं, प्लेट तैयार कर रहे हैं, चटनी रख रहे हैं, मिर्च तल रहे हैं। अब ये सब देख के कहने का तात्पर्य हमारा मन कहां, कैसी भी स्थिति हो लेकिन मन हमारा श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में है कि नहीं, सत्संग में है कि नहीं। यही सब तो कसौटियां हैं, यही सब तो कसौटियां हैं जिससे हमें पार उतरना है। तो ये सब भगवदीय क्या दर्शन कराते हैं प्रियजनों, कि कर्म वही है जो मन के साथ किया जाए। देखो सबसे बड़ा दुष्कर्म कौन सा है, किसी को मारना, किसी को मार डालना, हत्या करना सबसे बड़ा दुष्कर्म है। और सबसे बड़े दुष्कर्म की सजा क्या है, मृत्यु। अब विचार करो युद्ध के मैदान में अर्जुन ने कितने कितने हजारों लाखों योद्धाओं को मार डाला, फिर भी पाप मुक्त कर्म है उसका। क्यों? मन में संशय होता है कि एक आदमी को मारना जघन्य अपराध है और यहां तो हजारों लाखों को मार डाला और वो भी खुलेआम, तो उसका तो कितना बड़ा दंड होना चाहिए। लेकिन ये अर्जुन का कर्म जो है प्रियजनों, ये कर्म ही नहीं है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में बड़ा सुंदर एक सिद्धांत भगवान ने प्रकट किया, ध्यान दो,
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्वर युद्ध च। भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। बड़ी सुंदर बात यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तो युद्ध कर। पहली बात देखो, हम सब भी युद्ध कर रहे हैं संसार से। संसार में रहना ये कोई युद्ध से कम नहीं है, हमारी भी अर्जुन जैसी स्थिति है। लेकिन अर्जुन ने भगवत वाक्यों की वाक्यों को समझ लिया, आत्मसात कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, शायद हमारी अभी वो स्थिति नहीं बनी। बड़ी सुंदर आज्ञा यहां पे भगवान ने करी कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, मेरे में मन को लगा और फिर युद्ध कर। तो जो भी करेगा वो अकर्म हो जाए, वो कर्म नहीं कहलाएगा, वो लिखा नहीं जाएगा। कितनी बड़ी बात है कि भगवान में मन को लगा के जो भी कुछ करो, संसारी कार्य चेतस्तत् प्रवणम सेवा, श्री आचार्य महाप्रभु का जो भी सिद्धांत है वो भगवद गीता के अनुसार ही है कि संसार में विचरण करो, संसार के संबंधों को निभाओ, लौकिक कार्य करो, लेकिन मां मनुस्वर मेरे में तू मन को लगा, तेरा मन मुझे दे के जा। प्रियजनों, संसार में आकर्षण है, हमारा मन जो संसार में जाता है संसार में आकर्षण है, भगवान में भी आकर्षण है, भगवान में भी हमारा मन आकर्षित होता है। और भगवान में जो आकर्षण है, हमारा मन जो भगवान में आकर्षित होता है, उसी को तो भक्ति कहते हैं, उसी का नाम तो भक्ति है। लेकिन संसार में रहते हैं तो संसार में आकर्षण होना सहज है, मन बार बार संसार की तरफ, क्योंकि जैसे जल का स्वभाव है ढलान की ओर जाना, ऐसे ही हमारे मन का भी एक स्वभाव है कि ढलान की ओर, संसार की ओर जाना, विषयों की ओर जाना, ये मन का स्वभाव है। विषयों का स्मरण करना ये मन का स्वभाव है। एक बात याद रखो कि विषय का सेवन जीव बड़ी थोड़ी देर के लिए कर सकता है, हम पूरा दिन खाना नहीं खा सकते, भोजन नहीं कर सकते, भले कितना ही स्वादिष्ट हो, भले कितना ही प्रिय हो, भले कितना ही मनोभावन हो, लेकिन पूरा दिन बैठ के भोजन नहीं किया जा सकता। हम 24 घंटा सो भी नहीं सकते। तात्पर्य ये है कि हम विषय का जो सेवन है वो बड़ी थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन विषयों का जो स्मरण है, हम जानते भी नहीं है कि जन्म जन्मांतर से हम कर रहे हैं, छूटता ही नहीं है। कितना भी प्रयत्न करो विषयों का स्मरण छूटता ही नहीं है। आवश्यकता है बस केवल सावधानी की। हम भगवान के हैं, भगवान के थे, भगवान के रहेंगे, भगवत गीता कहती है। हम संसार के नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ममे वांशो जीव लोके, कि जीव मेरा ही अंश है, हम भगवान के ही हैं। ये तो
संसार में रहने के कारण, संसारी जीवों के साथ विचरण करने के कारण हमारी एक ऐसी अवस्था बन गई, ऐसी स्थिति बन गई कि हम अपने आप को संसारी कह बैठे, हम संसारी नहीं है। कई बार साधारण जीव सहज कह देता हम तो संसारी जीव हैं, हमसे ये कैसे हो बन पाएगा, हम सेवा कैसे करेंगे, हम तो संसार में रहते हैं, हमारे तो छोटे छोटे बालक हैं। हम संसारी नहीं है, भगवान स्वयं कहते हैं ममे वांशो जीव लोके, हम भगवान के थे, भगवान के हैं और भगवान के ही रहे। ये तो हमारी असावधानी है। जैसे मार्ग में चलते चलते कहीं हमारा पैर खड्डे में गिर जाए और हम गिर जाएं, तो गलती किसकी है, हमारी स्वयं की ही है। कहीं ना कहीं हम सावधान नहीं रहे, इसलिए परिणाम स्वरूप हम गिर गए। हमारा मन जो संसार में ही रचा पचा है, विषयों में ही उलझा हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रियजनों ये हमारी ही असावधानी है। तो अब ध्यान क्या रखना है कि मन को विषयों के चिंतन से बचाना है। क्या ध्यान रखना है कि जब मन विषयों का चिंतन करे तो बस स्वस्थ हो जाना है, सावधान रहना है, जागृत हो जाना है। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है कि विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए और फिर फांसी ऐसी पड़े, और फिर फांसी ऐसी पड़े तिही सम दुख न कोए। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए। जब मन विषयों का चिंतन करता है तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद मिलता है। आज यही बैठे बैठे कोई पर्यटन स्थल की बात करने में आवे कि भाई यहाँ घूमने जाना चाहिए, यहाँ घूमना चाहिए, ऐसी ऐसी सुंदर वहां पे वादियां हैं, ये है वो है, तो मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है, स्वाभाविक है। और यहां ये संत इतनी सुंदर बात करते हैं, और फिर फांसी ऐसी पड़े कि तिही सम दुख ना कोए। जैसे कोई पंखी को पकड़ने के लिए पारधी जाल बिछाता है, ध्यान देना, किसी पक्षी को पकड़ने के लिए जैसे कोई पारधी जाल बिछाता है, वैसे ही हमारा जो मन है वो पंखी है और काल जो है वो पारधी है। और जाल कौन सा है, ये विषय रूप जाल, ये काल रूप पारधी ने बिछाया है, ध्यान देना। ये काल रूप पारधी ने विषय रूप जाल, कहीं स्वाद में फंस जाते हैं, कहीं रूप में फंस जाते हैं, कहीं मान में फंस जाते हैं। ये जितने भी विषय हैं, स्पर्श शब्द, स्पर्श रूप रस और गंध, कहीं सुगंध में फंस जाते हैं, पांच ही तो विषय हैं। तो ये जो विषय रूप जाल, ये काल रूप पारधी ने फंसाया बिछाया है, इसमें हमारा ये जो मन रूपी पंखी है प्रियजनों, ये फंस जाता है। हमारे आचार्यों ने तो इतनी सुंदर बात बताई है, जो आपको विषय प्रिय है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, विषय का त्याग नहीं करना है, विषय को छोड़ना नहीं, बस उसको मोड़ना है। आपको शब्द पसंद हैं,
तो हमारे आचार्यों की वाणी, प्रभु का वेणुनाद, उसको कभी सुनने का प्रयत्न करो। उससे उत्तम, उससे सर्वोत्तम शब्द और क्या हो सकते हैं? हमारे गुरु के वचन, हमारे वल्लभ की वाणी, उससे सर्वोत्तम शब्द हो क्या सकता है? आपको स्पर्श पसंद है तो शहराय महाप्रभु आज्ञा करते हैं, स्पर्श तत्रैव भावेन। प्रथम शिक्षा पत्र का 8वां श्लोक, किसी ठाकुर जी से उत्तम और कोई स्पर्श हो ही क्या सकता है? जिसको स्पर्श करने के बाद रोम रोम पुलकित हो जाए, ऐसा स्पर्श, ऐसा स्वरूप हमारे प्रभु का है। लेकिन आजकल विषयासक्त जीव बड़ी विडंबना है कि स्पर्श करते हैं प्रभु का, लेकिन वो स्पर्श का अनुभव नहीं होता। गर्म वस्तु हाथ में धरें तो उसके स्पर्श से हमारा हाथ जलता है। जब ठंडी वस्तु, बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा हम हमारे हाथ में धरें तो उसके स्पर्श से ठंडक का अनुभव होता है। उसी हाथ से जब हम हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम का स्पर्श करें तो फिर क्यों रोम रोम पुलकित नहीं होता? कहीं ना कहीं दोष हमारे में ही है। कि हमको प्रभु का अनुभव नहीं होता, रोम रोम पुलकित नहीं होता। श्री गिरिराज जी के स्वरूप का जो वर्णन होता है उसमें श्री गिरिराज जी और श्री गिरिराज जी के ऊपर जो वृक्षावली है, आचार्य चरण कहते हैं वो वृक्षावली नहीं है, रोमावली है। जब श्री ठाकुर जी गौचारण करते करते तोड़ते हुए जब श्री गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते हैं तो श्री गिरिराज जी की रोम रोम पुलकित हो जाती है, वही ये वृक्षावली है। कहने का तात्पर्य है प्रियजनों, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय हमको प्रिय है, तो बस विषयों को छोड़ना नहीं है, बस विषयों को प्रभु के साथ जोड़ना है। श्री आचार्य चरण स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि विषयाक्रांत देहानाम नावेशम सर्वथा हरि, कि जब तक हम विषय में आसक्त रहेंगे तब तक भगवत आवेश श्री ठाकुर जी हमारे मन में नहीं भर, हमारे अंतःकरण में प्रभु का प्रवेश नहीं होगा। तो आवश्यकता है प्रियजनों कि मन को ये विषयों के चिंतन से दूर करें। सावधान, ये सावधान शब्द बड़ा ही कारगर है। हम जब ड्राइविंग करते हैं और हाईवे पर निकलते हैं, मोटरवे पर निकलते हैं, तो कई बार ऐसी ऐसी सूचनाएं हमको देखने मिलती हैं, सावधान कई बार देखने आता है। क्यों? कहीं अकस्मात न हो जाए। ऐसे ही प्रियजनों हमें भी हमारे लौकिक जीवन में सावधान होना है, मन को विषयों से दूर करना है। तो अब इसका उपाय क्या है, कैसे करें? हरिराय महाप्रभु ने शिक्षा पत्र के प्रारंभ में ही जो आपने ध्यान दिया हो,
प्रथम श्लोक में ही मन की बात करी है और दूसरे श्लोक में इसका उपाय बता दिया है कि मन को विषयों से दूर करने का उपाय क्या है। श्री राय महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि मनसा भाव ये नित्यम लीला सर्वा क्रमागता। देखो मन इतना आवश्यक है अध्यात्म में कि श्री राय महाप्रभु ने शिक्षा पत्र का प्रारंभ ही मन से किया है। सदोद्विग्न मना कृष्ण दर्शने कृष्ण मानसा। मन कितना महत्व का है और ये विषय से दूर करने का उपाय श्री राय जी बता रहे हैं कि मनसा भाव ये नित्यम लीला सर्वा क्रमागता। के मन को श्री ठाकुर जी की लीला के चिंतन में रखो। मन को प्रभु के चरणारविंद में समर्पित रखो। जब जब मन भटकता हो तब सावधान। जब जब मन विषयों की ओर दौड़ता हो तो सावधान। जैसे प्रारंभ में ही कहा कि वो तत्ववेता मन से चर्चा कर रहा है, मन से वार्ता कर रहा है। प्रियजनों मन से बात करो। अरे मन तू कहां भटक रहा है? गोपी जना कहती हैं कि मन क्यों न भये दस बीस, एक जो हतो वो तो गयो श्याम संग। कि मेरे पास तो एक ही मन है जो ठाकुर जी के साथ चला गया, जो दस बीस मन होते तो एक घर में एक संसार में एक व्यापार में लगा था। मन से चर्चा करो। जब जब मन भटके तब श्री आचार्य चरण के वाक्यों को, श्री राय महाप्रभु के वचनों को स्मरण करो कि मनसा भाव ये नित्यम लीला सर्वा क्रमागता। भगवत लीला में मन का कार्य, जैसे हम शॉपिंग में जाते हैं और शॉपिंग के बाद जब कोई ऐसी चीज लेके आते हैं, जैसे कोई सब्जी लेके आए तो हम उसे घर में आके खुली नहीं रखते, उसे हम फ्रीज में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिगड़ न जाए। ऐसे ही प्रियजनों हमें भी हमारा मन जो है वो श्री ठाकुर जी की लीला में भगवत चरणारविंद में स्थित रखना है। क्यों? क्योंकि वो बिगड़ न जाए। छोटी सी बात समझनी है, बस खत्म। सब शास्त्रों का सार, सब ग्रंथों का सार, सब आचार्यों की वाणी का सार नवनीत रूप एक बात, मन को स्वस्थ रखो। जिसका मन स्वस्थ है मानो वही वैष्णव है। श्री गोकुलनाथ जी के हास्य वचनामृत में एक बार कोई वैष्णव ने श्री गोकुलनाथ जी से प्रश्न पूछा कि क्या मेरा मन श्री ठाकुर जी में लग सकता है। श्री गोकुलनाथ जी के हास्य वचनामृत, श्री गोकुलनाथ जी ने उत्तर दिया, हां क्यों नहीं लग सकता। वैष्णव ने फिर प्रश्न किया, कैसे लगेगा? श्री गोकुलनाथ जी ने बड़ा छोटा सा उत्तर दिया, अभ्यास के द्वारा। अभ्यास, प्रैक्टिस। उदाहरण दिया, जैसे पत्थर पे रस्सी बार 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 जब उसका स्पर्श होता है वो रस्सी घिस जाती है, घिसती है पत्थर पे तो वो पत्थर घिस जाता है। प्राचीन समय में अपन देखते थे कि कई प्राचीन वैष्णव में उनको ये ख्याल होगा कि वो कुएं पे जब वो रस्सी खींचते थे तो कुएं का जो पत्थर था वो घिस जाता है।
पत्थर पे रस्सी बार बार घिसने से वो पत्थर भी, श्री गोकुलनाथ जी उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं कि वो पत्थर घिस जाता है। जब पत्थर घिस सकता है तो मन क्यों नहीं घिस सकता? जब पत्थर पे रस्सी की छाप पड़ सकती है तो मन पे श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की छाप क्यों नहीं पड़ सकती? आवश्यकता है अभ्यास। भगवद गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्ये न तु गृह्यताम। हे अर्जुन, तू अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर। आप विचार करो कि जैसे वो नट होता है, रस्सी पे चलने का अभ्यास हो, वो कितना उसने अभ्यास किया होगा कि हाथ को यूं रख के अपने एक पतली, अपन तो कई बार सीधे, कई तो ऐसे हैं जीव कि सीधे चलते चलते गिर जाते हैं, और ये पतली सी रस्सी पे चल जाता है। अब विचार करो कितना उसने अभ्यास किया होगा, कितनी मन की एकाग्रता होगी। नटनी नजरियो दोर मां ने पौनिया हारी नी बेड़ा मां। दयाराम भाई, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। एक बेड़ा, उसके ऊपर दूसरा घड़ा, उसके ऊपर तीसरा घड़ा, और फिर भी बातें भी हो रही है। अपनी जो भी सहेलियां हैं उनसे घर की इतर उतर की चर्चाएं भी हो रही हैं, लेकिन घड़े घिरते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मन घड़े में है। प्रियजनों, ऐसे ही जब हमारा मन भी श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में होगा तो हमारे भी घड़े गिरेंगे नहीं। आवश्यकता है सार का सार, बस भगवत चरणारविंद में मन को रखो। मन की स्वस्थता उसी में। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ आज के विषय को विराम दें। आप सबन का मन भी स्वस्थ रहे। मनोविज्ञान कहता है कि मन की चार मन के प्रकार हैं। एक मन है वर्तमान मन, जैसे हमारे व्यक्ति और व्यक्तित्व के दो प्रकार हैं, एक बाह्य व्यक्तित्व और एक आंतरिक व्यक्तित्व। ऐसे ही हमारे मन के भी चार प्रकार हैं। मनोविज्ञान कहता है कि एक है वर्तमान मन, दूसरा है अनुपस्थित मन, तीसरा है एकाग्र मन, और चौथा है दोहरा मन। ध्यान देना, विषय को विराम की ओर ले जा रहे हैं। एक है वर्तमान मन, प्रेजेंट, उपस्थित है। जैसे अपन बाल काल में जब हम स्कूल जाते थे तब हाजिरी पूरी जाती थी, अटेंडेंस ली जाती थी कि भाई रमेश, कि हाँ प्रेजेंट, हाजिर। ऐसे ही जब हम पूछने में आवे मन, पूछने में आवे नेत्र के प्रेजेंट, कान के प्रेजेंट, जीवा प्रेजेंट, मन, तो कई कई के तो प्रेजेंट, और कई कई कहेंगे एब्सेंट सर, कभी प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है मन, मन तो अभी कहीं और लगा हुआ है। आंख प्रेजेंट है, कान प्रेजेंट है, जीवा प्रेजेंट है, और मन प्रेजेंट नहीं। तो मनोविज्ञान कहता है कि वर्तमान मन यानी कि प्रेजेंट मन जो कार्य कर रहा है, सत्संग कर रहा है, तो उसका मन सत्संग में है, खाना खा रहा है तो उसका मन खाने में है, घूमने गया है तो उसका मन घूमने में है, सेवा कर रहा है तो उसका मन सेवा में है। ये मन का उत्तम प्रकार है, सर्वोत्तम प्रकार है, प्रेजेंट मन, वर्तमान मन।
दूसरा मन है अनुपस्थित मन। कोई भी कार्य करे मन उपस्थित ही नहीं रहता। तीसरा है एकाग्र मन, अर्जुन के भांति एकाग्र हो जाता है, ऐसे ध्यान लग जाता है कि देह का अनुसंधान ही नहीं रहता। फिर तो 10:15 बज जाए, 10:30 बज जाए, 11 बज जाए, पता ही नहीं चले, ऐसा एकाग्र मन। वार्ता प्रसंगों में आते ना, देह की सुधि नहीं रही, हरि ले तेरी लीला की सुधि आवे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक मूर्छा आ गई, वो है प्रियजनु एकाग्र मन। और चौथा है दोहरा मन, करूं ना करूं, क्या करूं, ऐसा जो संकल्प और विकल्प करता है, ऐसा मन वो दोहरा मन है। तो प्रियजनों, आज की ये सत्संग सभा में, आज की ये सत्संग पाठशाला में बस एक ही बात हमको याद रखनी है कि सर्वोत्तम जो है मन, वो है वर्तमान मन, प्रेजेंट। जो कार्य करें वो मन से करें। इंद्रियां मन के बिना कार्य कर सकती हैं, लेकिन मन इंद्रियों के बिना, मन इंद्रियों के बिना कार्य कर सकता है, लेकिन मन के बिना जो कार्य होता है, जो कर्म होता है, वो कर्म नहीं, वो विकर्म है, अकर्म है। तो बस ये छोटी सी बात को आप सब ध्यान में रखें। बड़ी प्रसन्नता है कि आप सब मुझे सुन रहे हैं और सहन भी कर रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ आप सबन का मन भगवत चरणारविंद में अविरत दृढ़ रहे। बहुत ही आनंद होता है जब वैष्णव सपरिवार एक साथ बैठ के भगवत सत्संग का श्रवण करते हैं। मैं कई वैष्णवों को देख रहा हूँ कि तीन तीन चार चार की संख्या में भी बैठे हुए हैं और सब परिवार बैठ के भगवत सत्संग करते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। छोटे छोटे बालकों को लेके सत्संग में बैठते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो हमको जोड़ता है। आज हम सब, हम और आप एक साथ एकजुट जुड़े हुए हैं, कारण ये सत्संग है। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ आप सबन का मन श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में दृढ़ रहे, यही भाव के साथ आप सदा प्रसन्न रहो। यही भावना के साथ उत्सवों का क्रम चल रहा है। अभी अभी रथ यात्रा गई, कल कसुम्बा छठ का उत्सव गया, बड़ा ही सुंदर। पुष्टि मार्ग में कसुम्बा छठ जो है वो बड़ा ही सुंदर उत्सव है, आप सब जानते ही हैं, श्री गोसाई जी का विप्रयोग, क्योंकि प्रेम का उत्सव जिसे हम कहते हैं वो कसुम्बा छठ। जैसे मर्यादा में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, प्रेमियों का दिन, ऐसे ही हमारे पुष्टि मार्ग में हमारे श्रीजी बाबा ये कसुम्बा छठ मनाते हैं और इसलिए लाल वस्त्र धराते हैं, क्योंकि प्रेम का जो रंग है वो लाल है। लाल वस्त्र श्री जी को धराए जाते हैं और बड़ा ही सुंदर, क्योंकि श्री गोसाई जी से मिलन हुआ, श्री गोसाई जी पुनः सेवा में पधारे, ऐसा सुंदर दिन। और अब धीरे धीरे हिंडोला के उत्सव प्रारंभ होंगे अगली 25 तारीख से, तो उसकी भी आप सबन को बधाई। जो भी वैष्णव के वहां श्री ठाकुर जी विराज रहे हों, आप सब अवश्य श्री ठाकुर जी को हिंडोला चुनावें और प्रभु के सुकार्थ विविध विविध मनोरथ करें। और अपने श्री पुष्टि धाम में भी भगवत सुखार्थ प्रतिवर्ष विविध कलात्मक और लीलात्मक रसात्मक हिंडोला उत्सव होते ही हैं, सब वैष्णव दर्शन करते हैं। कई तो जो सूरत के हैं तो नित्य सन्मुख होके दर्शन करते हैं, जो सूरत के नहीं है उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि उनको चित्र भेजे जाते हैं, तो घर बैठे वो दर्शन करके आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस वर्ष भी अपने रसिया प्रभु इंडोला झूलेंगे और विविध विविध कलात्मक रसात्मक मनोरथ होंगे। कई वैष्णव मैसेज के माध्यम से पूछ रहे थे
कि ये हिंडोला में हमारे जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकें, हम तो सूरत में नहीं रहते, दर्शन का लाभ भी नहीं मिलता, तो कैसे जुड़े हैं? तो मनोरथी के स्वरूप के जो भी हिंडोला हो उसमें एक आध दिन दो दिन मुख्य मनोरथी सह मनोरथी जो भी ठाकुर जी आपको प्रेरणा करे तो मनोरथी के रूप में भी आप जुड़ सकते हैं। तो बड़ा ही सुंदर ये उत्सव है, तो जरूर से आप सब लाभ लें। यही भाव के साथ अब समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हिंडोला की विशेष जानकारी आपको पत्रिका व्हाट्सएप के माध्यम से तो प्राप्त हो ही गई है, उसमें जो भी संपर्क सूत्र है अशोक भाई का भी है और अन्य वैष्णवों का भी है, तो आप संपर्क बनावें और मनोरथी बने। तो बस समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बस आप सबन का मन स्वस्थ रहे, आप सब का मन श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित रहे, आप सब का मन सदा युवान रहे, दौड़ता हुआ भागता हुआ आनंद करता हुआ रहे। यही भाव के साथ मैं अपने बाग पुष्प को श्री वल्लभ के युगल चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री सिया प्रभु ने की जय, बोलो गौ माता की जय, श्री हरिराय प्यारे की जय। हवे आप सर्वे उपस्थित वैष्णवों ने जे जे श्री ने दंडवत प्रणाम नो लाभ मळशे तो किशोरभाई नांदा यूके ने विनंती करी तो उपस्थित तमाम वैष्णवों ने उत्सवनी बधाई, आश्रगण करिए चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभनख चंद्र छटाभिन सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन के साधन और नहीं आकले में जासो निवेरो, सूर कहा कहे
द्विविधयांधरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ाई न चरणन के दृढ़ई न चरणन के रो भरोसो दृढ़ई न चरणन के रो श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गोपाल लाल प्यारे starting products by Burger King in the new Ganvat pranam jay jay स्कूल करते हो तो दोस्त बोलो।